the job and getting faster. Stop it, the gas, even a little bit harder. A bit harder, y'all. I'm a rider, provider, bring the heat. तो यार आज हम इसी वीडियो का एडिटिंग जानेंगे कि आप भी किस तरह से ऐसी वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बना सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि आपको वीडियो बनाना है किस तरीके से। अगर आप वीडियो बना लेते हैं तब आपका एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप वीडियो को बनाएंगे तो आपको अपने स्मार्टफोन को किसी भी स्टेबल जगह पर रख देना है, यानी वो हिलना नहीं चाहिए, जैसे कि ट्राइपॉड में आप लगा सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो को बनाएंगे तो आपको दिन में वीडियो को शूट करना है और बाहर आपको वीडियो को शूट करना है, यानी घर से बाहर आपको यहाँ पे वीडियो को शूट करना है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा कि आप जो भी यहाँ पे कपड़े इस तरह से डालते हैं आपको वही कपड़ा पहनकर तब आपको यहाँ पे इस साइड से घूम जाना है। और वीडियो बनाते वक्त एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो को बनाएंगे तो आप जब इधर से उधर की तरफ जाते हैं तो आपको दोनों के बीच में यहाँ पर गैप रखना है, यहाँ पर थोड़ा जगह खाली होना चाहिए दोनों के बीच में, जिससे आपका एडिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब आप वीडियो को बना लेंगे उसके बाद एडिटिंग आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए हम जान लेते हैं। तो इसके लिए यार सबसे पहले आपको यहाँ पे कैमस्ट्रैप को यहाँ से ओपन कर लेना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे टाइप करके आपको यहाँ पर ये वाला रेसो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। इस वीडियो को यहाँ पर लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस वीडियो का साउंड यहाँ पर आपको बंद कर देना है, क्योंकि यार होता क्या है कि जब हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम एक्स्ट्रा साउंड भी अपनी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसका वॉल्यूम पूरा म्यूट कर देना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इस वीडियो में साउंड को ऐड करना होगा ताकि हम उसी के हिसाब से अपनी वीडियो को अच्छे से मैच कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियो को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा और इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि कैंची वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, क्योंकि यार हमारा इस वीडियो में बस ऑडियो का ही काम है और इस वीडियो रिलेट का कोई काम नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। इस तरीके से आपको वीडियो में साउंड ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसी साउंड के हिसाब से आपको अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से मैच करना है, यानी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रखना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी वीडियो में कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो कि आपको कट करना होगा, तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो लेट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कैंची वाले पे जाकर यहाँ पर आप कट कर सकते हैं। कोई भी पार्ट अगर आपको लेफ्ट राइट से हटाना है तो यहाँ पर आप कट करके हटा सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस वीडियो लेयर में आपको आगे आना होगा। आगे आने के बाद जब आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे कपड़े को पहन लेते हैं उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कुर्सी को घुमाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप जैसे घुमाने वाले होते हैं तो आपको सबसे पहले उस वाले पॉइंट पर आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर बीच में आपको एक कट लगाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कैंची वाले पर जाएंगे और यहाँ पर आपको स्प्लिट एट प्लेट कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद आपको यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना होगा, यानी हमें इस लेयर का डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। जब आप इस तरीके से यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले लेयर को आपको आगे की तरफ यहाँ पर आपको लेकर आना होगा, जहाँ से आप इस तरीके से यहाँ पे पैर को मारते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से पैर नीचे की तरफ मारता हूँ तो मुझे इसी वाले पॉइंट पर यहाँ पर मुझे लेकर आना होगा। तो इसको आगे करने के लिए आपको यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक कर रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इसे आगे लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं, चलिए यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ जहाँ से मैं कुछ इस तरीके से पैर मार देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे ज़मीन पर पैर मारते हैं कुछ इस तरीके से नीचे, तो उसके बाद ही हमें इस वाले लेयर को लगा देना है। तो इस लेयर को यहाँ पर लाने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको लास्ट में आ जाना है और इस वाले लेयर का हमारा कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पर इस लेयर पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो ऊपर वाला जो लेयर है इसको आपको यहाँ पे राइट से इस तरीके से आपको कम कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इस वीडियो में से आपको हटा देना है कुछ इस तरीके से। तो यार जब आप यहाँ तक कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले लेयर पे क्लिक करना है और इस लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें राइट वाला सिलेक्ट करना होगा। आपको एक चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर राइट साइड इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो यहाँ पर जो कुर्सी है वो राइट साइड में है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका चेयर लेफ्ट साइड में है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बीच में आपको क्रॉप करना है, यानी बीच में आपको इसे रखना है। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको यहाँ पे जब वीडियो बनाएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा गैप रखना है दोनों वीडियो के बीच,
यानी जब आप इस साइड से उस साइड की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना है बीच में, ताकि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रॉप कर सकें। तो जब आप यहाँ पर एडिट कर लेंगे उसके बाद आपका वीडियो 90% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। जब यहाँ तक आपका वीडियो बन जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक इफेक्ट को आपको देना होगा। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद अभी क्या करना है। अभी यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब इसके बाद जब आप इसे टिकटॉक पर अपलोड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक इफेक्ट को आपको देना होगा। नीचे आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए इफेक्ट को आपको वहाँ पर देना है जहाँ से आप पैर को नीचे की तरफ मारते हैं इस तरीके से, और इसी के बाद यहाँ पर ये वाला आ जाता है। तो इसी वक्त आपको यहाँ पे एक इफेक्ट को आपको दे देना है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से इफेक्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको आगे आना है, यहाँ पर आपको स्वे का इफेक्ट आपको मिल जाएगा, आप स्वे वाला भी दे सकते हैं यहाँ पर बीच में। आपको बस इस वीडियो में थोड़ा सा ही देना है इस तरीके से, और इसके बाद आपको यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैश वाला मिल जाएगा, आप चाहे तो ये भी दे सकते हैं, यानी आपको कोई भी एक देना है इसमें से, या फिर आप यहाँ पे ग्लिच वाला जो आपको मिल रहा है यहाँ पर ये वाला भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो आपको तीनों में से कोई एक इफेक्ट आपको यूज़ कर लेना है बीच में, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने वीडियो को पोस्ट कर देना है।